नमस्कार, मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह हैदराबाद में दुष्कर्म के बाद आरोपियों को एनकाउंटर द्वारा जान से मार दिया गया, उनका एनकाउंटर कर दिया गया, कथित एनकाउंटर बताया जा रहा है। अभी ये जांच के दायरे में है, जांच हो रही है, एनकाउंटर या हत्या है इस पर फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अन्य मुद्दे की। जया बच्चन पूर्व फिल्म बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, उन्होंने एक बहुत ही अहम बयान दिया था, वह काफ़ी चर्चाओं में भी रहा, काफ़ी लोगों ने उसकी तारीफ करी। मुझे लगता है अभी निंदा के शब्द नहीं सुनने को मिले, लेकिन ये निंदा के पहले शब्द होंगे जो मैं कहने जा रहा हूँ। अभी तक उनकी निंदा नहीं हुई है इस बात को लेकर के। उन्होंने कहा था कि वो जो मुजरिम हैं, जो आरोपी हैं, उनके साथ यही सलूक होना चाहिए और जो भी बलात्कार के आरोपी हों उनको भी जनता के हवाले कर दिया जाना चाहिए और जनता उनको अपनी तरह से उनका फैसला कर देगी। जया बच्चन के इस बयान पर काफ़ी खुश थी भारत की जनता, लेकिन यदि इसकी व्याख्या की जाए तो बहुत ही खतरनाक है। जिस तरह हम लिंचिंग की घटनाओं को लगातार देख रहे हैं, तो हम यह मान ले जया बच्चन के बयान से, जो एक जागरूक व्यक्ति माना जाएगा, राज्यसभा की सांसद है, कानून बनाने में हिस्सेदारी रहती है, बिल को पास कराने में उनकी हिस्सेदारी रहती है, वह ऐसा बयान कैसे दे सकती हैं? क्या उन्हें भी लगता है कि यदि किसी पर आरोप तय कर दिया जाए, अभी तो हम दुष्कर्म की घटना में कहेंगे हैदराबाद में उन पर आरोप तय था लेकिन दोषी सिद्ध नहीं हुए थे, लेकिन आरोपी थे यह बात मानी जा रही है, लेकिन यदि किसी पर कथित आरोप तय कर दिया जाता है और अभी वह दोषी साबित नहीं हुआ है, अभी किसी कोई नहीं जानता कि वह आरोपी दोषी है या नहीं है, तो क्या उसको लिंच करके मार दिया जाएगा? क्या भारत की यही मानसिकता है? राज्यसभा में बैठने वाले सांसद की क्या यही मानसिकता है कि लिंच करके उसको मार दिया जाना चाहिए? लगातार हम इन घटनाओं को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हुई, पूरे भारत के अंदर, राष्ट्र भर में इस तरह की घटनाएं हुई जहां गाय के नाम पर या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को लिंच कर दिया गया, लिंचिंग करके उन्हें जान से मार दिया गया। जब यह भावना राज्यसभा में बैठे हुए एक सांसद के अंदर हो सकती है, जब वह इस बात को खुले स्तर पर कह रहा है, यदि आरोपी उसको बना दिया गया है, न्यायालय ने अभी दोषी सिद्ध नहीं किया है, तो आप उसको लिंच करके मार सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लिंचिंग के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहा था। जो आज से कुछ समय पहले बहुत सारी फिल्मी हस्तियों ने जो मशहूर रहे हैं उनको पुरस्कार से भी नवाजा गया है, पुरस्कृत रहे हैं वह, उनका एक आदर भी है, सम्मान भी है, विश्व में उनकी बातों को सुना जाता है, उन लोगों के खिलाफ जब खुद फिल्मी हस्तियां ही खड़ी हो गई थी, खुद ऐसे व्यक्ति खड़े हो गए थे जिनको हम जागरूक व्यक्ति मानते थे कि लिंचिंग कहीं भी नहीं हो रही है, तो हमें लगता है कि जया बच्चन का ये बयान उन बयानों को सही साबित करता है कि भारत में लिंचिंग की आवश्यकता है, लिंचिंग की जगह है, कोई दोषी सिद्ध हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उसे महज आरोप लगाकर ही लिंच किया जा सकता है, चाहे वह दलित हो या अल्पसंख्यक समुदाय हो, चाहे वह गाय का मुद्दा हो या धर्म का मुद्दा हो, चाहे वह मंदिर और मस्जिद का विवाद हो, लिंचिंग को एक स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं खुद जब राज्यसभा के सांसद, जो कानून बनाने में अपना योगदान देते हैं, तो आप सोचिए कैसे लोगों के हाथों में भारत की सत्ता है, किस मानसिकता के लोग संसद में बैठे हुए हैं। जब संसद से ऐसी मानसिकता आरंभ होती है तो वह गली कूचों तक भी पहुंच जाती है और आज उसने घर घर में एक लोगों के अंदर एक जगह बना ली है, पैठ बना ली है इस मानसिकता ने, और लिंचिंग करना आज भारत में एक आम हो चुका है। तो आप बताएं जया बच्चन का यह बयान कितना सही था? क्या लिंचिंग का सपोर्ट कर रही हैं? क्या यही घटना सबके मनों में चल रही है, दिमागों में चल रही है कि महज आरोप लगाकर ही लिंच कर दिया जाना चाहिए और उसकी वाहवाही की जानी चाहिए? आप इस संबंध में क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।